हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। ठीक है बच्चों, आज हम लोग मेटालर्जिकल ऑपरेशन का एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे कि ओर से मेटल को कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ठीक है बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने आपको ओर से मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के दो इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट्स थे, स्टेप्स थे, वो मैंने आपको बताया था। पहला स्टेप क्या था? क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ ओर। और दूसरा हमारा क्या था? इनरिचमेंट ऑफ ओर और कंसंट्रेशन ऑफ ओर, जिसे मैंने आपको कुछ पॉइंट डिस्कस किए थे। हाइड्रोलिक वॉशिंग मैंने डिस्कस किया, फिर हमने फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस, मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड, लिक्विएशन, लास्ट में हमने केमिकल सेपरेशन मेथड भी डिस्कस किया था। ठीक है, आज हम लोग थर्ड पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं। बच्चों, हमारा थर्ड पॉइंट क्या था? एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम इनरिच्ड ओर बच्चों, आज हम लोग इस पॉइंट को डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। ठीक है, हम लोग यहां तक पहुंच गए हैं कि जमीन के नीचे से जो ओर निकालते हैं हम लोग, उसमें तो बहुत सारे इंप्यूरिटीज रहते हैं, जिसको हम लोग गैंग और मैट्रिक्स कहते हैं। उस गैंग और मैट्रिक्स को हटाने के बहुत सारे मेथड्स हम लोगों ने डिस्कस किया। ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं इनरिचमेंट ऑफ ओर। तो जब वो इंप्यूरिटीज हट जाते हैं तो उसके बाद जो हमको ओर मिलता है, उस ओर को हम लोग कहते हैं इनरिच्ड ओर, यानी उस ओर में अब कोई गैंग और इंप्यूरिटीज नहीं है। जैसे बच्चों हेमाटाइट Fe2O3, इसमें बच्चों क्या, इस जमीन के नीचे से जब निकलेगा तो इसमें सैंड होगा, इसमें सॉइल होगा। ठीक है बच्चों, इसमें और भी सारे ऑक्साइड्स हो सकते हैं। ठीक है, तो इन सबको हम लोग कहते हैं गैंग। ठीक है, ये हमारा ओर है। अच्छा बच्चों, जब हम ओर का कंसंट्रेशन करते हैं या इनरिचमेंट ऑफ ओर करते हैं, तो ये गैंग और गैंग पार्टिकल को तो रिमूव कर देते हैं। जब गैंग पार्टिकल रिमूव होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा? Fe2O3। ये बच्चों हमारा प्योर ओर है। अब इस ओर से हमको क्या निकाल लेना है? आयरन को निकालना है। यहां से इस ऑक्सीजन को हटाना है और यहां से हमको आयरन को इस ओर से एक्सट्रैक्ट कर लेना है। अब हम लोग ये जो टॉपिक पर है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम इनरिच्ड ओर, यानी अब हम इस ओर से जो इनरिच्ड ओर है, इनरिच्ड ओर कहने का क्या मतलब बच्चों? वैसा ओर जिसमें कोई भी गैंग पार्टिकल्स नहीं है। तो इस ओर से आयरन अब हम कैसे प्राप्त करेंगे, इस टॉपिक के अंदर हम लोग इस पॉइंट्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, जैसे बच्चों कॉपर का ओर है CuFeS2, कॉपर पाइराइट, इससे हमको कॉपर कैसे मिलेगा? ठीक है, लेड ऑक्साइड PbO, इससे हमको लेड कैसे मिलेगा? ठीक है, तो आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है कि जो हमारा इनरिच्ड ओर है, इनरिच्ड ओर समझ में आ गया, वैसा ओर जिसमें गैंग के कोई भी पार्टिकल्स नहीं है, इस इनरिच्ड ओर से हमको मेटल कैसे प्राप्त होगा। तो आज हम लोग इस पर फोकस करेंगे, इनरिच्ड ओर से मेटल को निकालने के टेक्निक जो है, इसके बारे में आज हम लोग समझेंगे। ठीक है, बच्चों द मेथड यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम इनरिच्ड ओर डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मेटल। बच्चों ये मेटल के नेचर पर डिपेंड करता है। ठीक है, बेस्ड अपॉन रिएक्टिविटी ऑफ मेटल इट इज ग्रुप्ड इनटू थ्री मेन कैटेगरी। ठीक है बच्चों, बच्चों वो जो ओर है जिसे हमको मेटल प्राप्त करना है, ठीक है, तो उसमें जो मेटल होता है ओर में, उस वो मेटल जो बच्चों हम इसको तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक वैसा मेटल होगा जो हाईली रिएक्टिव होगा, एक ऐसा मेटल होगा जो मीडियम रिएक्टिव होगा, और एक ऐसा मेटल होगा जो लो रिएक्टिव होगा। तीनों केस में हम लोग अलग अलग डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक चीज मैं यहां लिखा हूं, बेस्ड अपॉन रिएक्टिविटी ऑफ मेटल इट इज ग्रुप्ड इनटू थ्री मेन कैटेगरी। कौन कौन होगा बच्चों? पहला कैटेगरी मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी।
बच्चों ऐसा मेटल जिसकी रिएक्टिविटी बहुत कम है। बच्चों इस कैटेगरी में कौन कौन से मेटल आएंगे, जैसे हमारा गोल्ड आएगा, सिल्वर आएगा, कॉपर आएगा, प्लेटिनम आएगा, मर्करी आएगा, ठीक है बच्चों। इन सब के ओर से इस मेटल को हमको निकालना है, तो इसको इस हेडिंग में हम लोग डिस्कस करेंगे। सेकेंड क्या होगा, मेटल ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी। मीडियम रिएक्टिविटी कहने का क्या मतलब, जिसकी रिएक्टिविटी न कम हो और न ज्यादा हो, ठीक है। किस कैटेगरी में कौन कौन से मेटल आएंगे, जैसे आयरन हो गया, जिंक हो गया, लेड हो गया, ये सब मीडियम रिएक्टिविटी के मेटल है। एंड द लास्ट वन इज मेटल ऑफ हाई रिएक्टिविटी, हायर रिएक्टिविटी। बच्चों इसमें कौन आएगा हमारा, सोडियम आ जाएगा, पोटेशियम आ जाएगा, कैल्शियम आ जाएगा, मैग्नीशियम आ जाएगा, एल्यूमिनियम आ जाएगा, ठीक है। तो बच्चों हम लोग इस तीनों कैटेगरी के मेटल को अलग अलग डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहले हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी, ठीक है। वैसे मेटल्स को ओर से हम लोग कैसे प्राप्त करेंगे, ठीक है, जिसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, लो होगी, ठीक है। चलो बच्चों फर्स्ट हेडिंग लगाते हैं, मेटल हैविंग लो रिएक्टिविटी। अच्छा बच्चों, जिस मेटल की रिएक्टिविटी लो होती है वो नेचर में दो फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, या तो नेटिव फॉर्म में होंगे, या तो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करेंगे, या वो सल्फाइड ओर के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। जैसे गोल्ड है, तो गोल्ड क्या होता है, गोल्ड तो नेचर में आपको फ्री स्टेट में मिल जाते हैं, नहीं, जहां पर गोल्ड डिपॉजिट होते हैं वहां पर उसका माइनिंग करके गोल्ड के पीस को हम लोग प्राप्त कर लेते हैं, वह कंबाइंड फॉर्म में नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता है, या तो फ्री स्टेट में होगा, नहीं तो वो सल्फाइड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। जैसे कॉपर है, CU2 है, सल्फाइड के फॉर्म में आपको नेचर में मिलेंगे। बच्चों लो रिएक्टिव मेटल में मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है कॉपर का, ठीक है, तो ये सल्फाइड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो इस CU2S से हमको कॉपर कैसे मिलेगा हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो हमारा कॉपर है वो लो रिएक्टिव मेटल है, पहले हम लोग लो रिएक्टिव मेटल को, फिर मीडियम रिएक्टिव मेटल को, एंड देन हाई रिएक्टिव मेटल का एक्सट्रैक्शन सीखेंगे, ठीक है। The metal, या बच्चों इसको ऐसे लिखो, metal having low reactivity occurs in nature either in native form or in the form of sulfide ore, या तो बच्चों native form में हो, जैसे gold हो गया, gold आपको क्या होगा, जहां भी gold deposit है वहां से आप उसको mining करके, खुदाई करके आप gold के piece को प्राप्त कर लो, ठीक है। नहीं तो किस form में exist करेगा, sulfide के form में exist करेगा, ठीक है। देखो बच्चों करते क्या है इसमें, डी सल्फाइड ओर इज कन्वर्टेड इंटू ऑक्साइड फॉर्म बाय हीटिंग इन एक्सेस ऑफ एयर, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, बच्चों इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं रोस्टिंग, क्या कहते हैं रोस्टिंग। बच्चों इसको मैं आगे भी आपको बताऊंगा, ठीक है, अभी आपको ये ध्यान में रखना है। देखो बच्चों जो भी और जो लो रिएक्टिव मेटल होते हैं या तो नेटिव फॉर्म होंगे, नहीं तो सल्फाइड के फॉर्म में होंगे, हम लोग क्या करते हैं सल्फाइड और को किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं। नाउ ये क्वेश्चन है कि राइज होता है कि आखिर हम सल्फाइड और को ऑक्साइड में क्यों कन्वर्ट करते हैं। बच्चों ऑक्साइड में कन्वर्ट करने से क्या होता है, ऑक्सीजन को रिमूव करना आसान हो जाता है, ठीक है। जैसे मान लो ये कॉपर ऑक्साइड है, ये कॉपर सल्फाइड है, हमको तो यहां से कॉपर निकालना है,
तो यहां से सल्फर को रिमूव करना होगा, तो सल्फर का सल्फर को रिमूव करने में और ऑक्सीजन को रिमूव करना, यहां से हमको ऑक्सीजन को रिमूव करना, तो जो इजी प्रोसेस होता है इजी वे में ऑक्सीजन आसानी से ओर से रिमूव हो जाते हैं, सल्फर आसानी से रिमूव नहीं होता है, इसलिए हम लोग कॉपर सल्फाइड को किसमें कन्वर्ट करते हैं, कॉपर ऑक्साइड में। क्यों कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन को रिमूव करना बहुत आसान है, ठीक है। इसका बच्चों कार्बन से रिएक्शन करा दो, कार्बन ऑक्सीजन को लेकर भाग जाएगा, इसका कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्शन करा दो, कार्बन ऑक्साइड को लेकर भाग जाएगा और क्या बना लेगा, CO2 बना लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाएगा और आपको यहाँ से कॉपर मिल जाएगा। लेकिन सल्फर को हटाना थोड़ा मुश्किल होता है, इसीलिए हम लोग सल्फाइड ओर को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, ऑक्साइड फॉर्म में, और उस ऑक्साइड से मेटल को प्राप्त कर लेना हमारे लिए क्या हो जाता है, आसान हो जाता है, ठीक है। तो आपके रिएक्शन से आपके यहां बताते हैं, देखो बच्चों जैसे जैसे एग्जांपल से देखो, जैसे HGS मर्करी सल्फाइड है, ठीक है। अगर मैं इसको O2 के साथ हीट करता हूं, देखो ये रोस्टिंग प्रोसेस में हम लोग हीट करते हैं O2 को एक्सेस विद ऑक्सीजन, एक्सेस ऑफ एयर और बच्चों आप कह सकते हैं एक्सेस ऑफ O2। तो जब हीट करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा मर्करी सल्फाइड ऑक्साइड में, बच्चों ये सॉलिड होता है, ठीक है। और इस प्रोसेस में कौन सा गैस निकलेगा, SO2 गैस निकलेगा, ठीक है। इसको बैलेंस कर लेते हैं, इसको बैलेंस कैसे करेंगे, यहां 2 लगाते हैं, यहां भी 2 लगाते हैं, नाउ इक्वेशन इज बैलेंस, ठीक है। यहां भी 2 लगेगा, यहां क्या लगेगा, 3 लगेगा, ठीक है। अच्छा देखो बच्चों, यहां पर ये जो है ये ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, बच्चों यहां पर ये सल्फाइड फॉर्म है, बच्चों इसको सीनेवार कहते हैं, सीनावार, ये मर्करी का एक इंपॉर्टेंट कोड है, ठीक है, HGS। हमने सिनावार को किसमें कन्वर्ट कर लिया, ऑक्साइड। बच्चों ये सल्फाइड ओर है, देखो यहाँ सल्फर है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, दिस इज ऑक्साइड ओर, दिस इज सल्फाइड ओर, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब इस HGO को आपको क्या कर देना है, HGO को आपको स्ट्रांगली हीट करना है। जैसे ही आप इसको हीट करेंगे, क्योंकि ये अनस्टेबल कंपाउंड है, स्ट्रांगली लाइक थोड़ा सा भी अगर आप हीट करोगे तो आसानी से डिकम्पोज हो जाएगा, और डिकम्पोज होके आपको ये मर्करी लिक्विड के फॉर्म में मिल जाएगा, ठीक है। जब आप इसको हीट करोगे तो ये सॉलिड लिक्विड के फॉर्म में चेंज हो जाएगा, ठीक है। यहां से आपको मर्करी मिल गया, देखो बच्चों हमको यहाँ मेटल प्राप्त हो गया, मिल गया मेटल। हमारा काम क्या था, ओर से मेटल को निकाल लेना, ठीक है। HGS क्या है बच्चों, ये मर्करी का एक इंपॉर्टेंट ओर है, इस ओर से हमने मर्करी को क्या कर लिया, निकाल लिया, क्लियर। तो मेटल हैविंग लो रिएक्टिविटी, लो रिएक्टिविटी में आपका मर्करी आता है, ठीक है। हमने ओर से मर्करी को फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। एक दूसरे एग्जांपल से आपको बताते हैं इसको, ठीक है। चलो बच्चों, कॉपर का एक इंपॉर्टेंट होता है Cu2S, ठीक है बच्चों। इसको हम लोग कहते हैं कॉपर पाइराइट, कॉपर पाइराइट से बच्चों इसको कॉपर कॉपर ग्लांस कहते हैं, क्या नाम है इसका, कॉपर ग्लांस, ठीक है बच्चों। की कौन सा ओर है हमारा, ये सल्फाइड ओर है। हमने आपको क्या बताया था कि सल्फाइड ओर को किसमें कन्वर्ट कर लेना है, ऑक्साइड फॉर्म में। कैसे कन्वर्ट होता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये चेंज हो जाएगा ऑक्साइड फॉर्म में, ठीक है। बैलेंस कर लेना है इक्वेशन को, ये हमारा ऑक्साइड ओर आ गया, ठीक है। अब होता है क्या है बच्चों, ये जो ऑक्साइड ओर है, क्योंकि रिएक्शन में हमारा कॉपर सल्फाइड भी है, फर्दर ये ऑक्साइड ओर इस कॉपर सल्फाइड से रिएक्ट कर लेता है, एक तरह का ये सेल्फ रिडक्शन है, खुद आपस में कंबाइन करके ये रिड्यूस हो गया और हमको यहां से कॉपर मिल जाएगा और SO2 गैस यहां से रिलीज होगा, ठीक है। इसको बैलेंस कर लेते हैं बच्चों, इसको ब्लिस्टर कॉपर कहते हैं, ब्लिस्टर कॉपर। ऐसा क्यों कहते हैं इसको, देखो बच्चों जब हम इसको हीट करते हैं तो कॉपर यहां पे हमको क्या मोल्टन फॉर्म में मिलता है, लिक्विड के फॉर्म में, पिघले हुए फॉर्म में हमको ये मिलता है, ठीक है। और जब ये पिघले हुए फॉर्म में निकलते हैं तो इसके साथ साथ कौन सा गैस इसे रिलीज होता है, SO2 गैस। तो जब उस मोल्टन कॉपर से SO2 गैस रिलीज होता है तो वहां पर क्या होता है, बबल्स बनते हैं, ठीक है। क्योंकि कॉपर मोल्टन है, पिघला हुआ फॉर्म में, और उसी से गैस इवॉल्व हो रहा है, क्योंकि आप इसको स्ट्रांगली हीट कर रहे हो तो बबल बनते हैं।
और जब वो बबल फूट जाते हैं तो क्या होते हैं, वहां पर एक डॉट टाइप का आपको ब्लिस्टर जिसे दाग टाइप का आपको उसके सरफेस के ऊपर आपको दिखाई देगा, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ब्लिस्टर कॉपर। ठीक है, जैसे जैसे आपकी स्किन के ऊपर फोड़े हो जाते हैं, नहीं फोड़े फुंसी हो जाते हैं, ठीक है, तो वैसे ही कॉपर का जो मेटल जो यहाँ से निकल रहा है उसके ऊपर जो है छोटे छोटे डॉट्स दिखाई देते हैं, जिसको हम लोग क्या नाम रखा गया इसका, ब्लिस्टर कॉपर। ठीक है, तो ये भी हमारा जो कॉपर जो है ये लो रिएक्टिव मेटल सीरीज में आता है। तो इस तरह से हम लोग मरकरी और कॉपर को आसानी से उसके ओर से क्या कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका लो रिएक्टिव मेटल की बात। चलो अब हम लोग मीडियम रिएक्टिव मेटल की बात करते हैं। एक्सट्रैक्शन ऑफ मीडियम रिएक्टिव मेटल। बच्चों इस कैटेगरी में आपका कौन कौन मेटल मैंने आपको बताया था, आयरन बताया था मैंने आपको, जिंक बताया था और मैंने लेड बताया था। ठीक है बच्चों, ये सब रिएक्टिविटी सीरीज में ये बीच में आते हैं। ठीक है, जनरली ये जो मेटल्स हैं इसके आपको ऑक्साइड, सल्फाइड और कार्बोनेट फॉर्म में नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, दीज मेटल फॉर्म्ड इन नेचर इन द फॉर्म ऑफ ऑक्साइड्स, सल्फाइड्स एंड कार्बोनेट। बच्चों ये जो है ना इस तीन फॉर्म में नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, आपको इन मेटल का आपको ऑक्साइड मिलेगा, ऑक्साइड और मिलेगा, या तो आपको सल्फाइड और मिलेगा, नहीं तो आपको क्या मिलेगा, कार्बोनेट और मिलेगा। ठीक है, क्या करते हैं हम लोग, डी सल्फाइड और कार्बोनेट और इज कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड फॉर्म। ठीक है, इसको हम लोग किस फॉर्म में बच्चों कन्वर्ट कर लेंगे, ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। क्यों कन्वर्ट कर लेंगे, मैंने आपको बताया था ऑक्साइड से ऑक्सीजन को रिमूव करना क्या होता है, आसान होता है। ठीक है, तो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, देखो ये जो मेटल्स हैं, जो लो रिएक्टिव मेटल्स हैं, मीडियम रिएक्टिव मेटल्स हैं, ये तो इनका और ऑक्साइड के फॉर्म में होगा, नहीं तो सल्फाइड के फॉर्म में, नहीं तो कार्बोनेट के फॉर्म में। ऑक्साइड के फॉर्म में है तब तो मेरे लिए और आसान है। ठीक है, लेकिन अगर सल्फाइड के फॉर्म में होगा तो हम लोग उसको ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे, अगर कार्बोनेट के फॉर्म में होगा तो उसको भी आपको ऑक्साइड के फॉर्म में पहले लाना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले हम लोग इस हेडिंग में एक्सट्रैक्शन ऑफ मीडियम रिएक्टिव मेटल में पहले हम लोग देखेंगे कन्वर्जन ऑफ फोर इंटू ऑक्साइड फॉर्म। ठीक है, हम लोग पहले ओर को किस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ऑक्साइड फॉर्म में। बच्चों इसमें एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं कैल्सीनेशन। क्या नाम है इसका, कैल्सीनेशन। ठीक है, हम लोग इसको अभी देखेंगे। बच्चों ये आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो बच्चों ये कैल्सीनेशन क्या होता है, चलो इसको समझते हैं। बच्चों इस प्रोसेस में कार्बोनेट ओर को ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। देखो यहाँ पर तीन तरह के ओर है, ऑक्साइड है, सल्फाइड और एक कार्बोनेट है। कैल्सीनेशन, इसको याद करने का टेक्निक सिंपल है, सीसी यानी कैल्सीनेशन के द्वारा कार्बोनेट ओर को ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। इन दिस प्रोसेस, बच्चों अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कैल्सीनेशन को, ठीक है, इन दिस प्रोसेस कार्बोनेट ओर इज कन्वर्टेड इंटू ऑक्साइड फॉर्म इन अब्सेंस ऑफ एयर। एयर मीन्स O2। बच्चों यहां पर एयर का अब्सेंस होना चाहिए, प्रेजेंस नहीं होना चाहिए। रोस्टिंग में क्या होता है, इन प्रेजेंस ऑफ एयर, लेकिन यहां पर क्या होगा, इन अब्सेंस ऑफ एयर। ठीक है,
क्या करते हैं, जैसे मान लो जिंक कार्बोनेट है ZnCO3, इसको हीट करेंगे तो क्या बनेगा, ये देखो ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया और यहां से CO2 गैस इवॉल्व हो गया। ठीक है, तो इस प्रोसेस में यही किया जाता है कि जो भी कार्बोनेट और होंगे उसको हम लोग किस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ऑक्साइड फॉर्म में। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं बच्चों, कैल्सिनेशन। अच्छा इसी में एक प्रोसेस है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, रोस्टिंग। बच्चों इसमें क्या करेंगे हम लोग, इस प्रोसेस में जनरली सल्फाइड ओर जो होते हैं, ठीक है, सल्फाइड ओर को हम लोग किस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ऑक्साइड फॉर्म में। इन दिस प्रोसेस सल्फाइड ओर इज कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड फॉर्म, ठीक है, बाय हीटिंग इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ एयर, एयर मीन्स वाटर, ठीक है। चलो बच्चों एग्जांपल से समझो, जैसे लेड सल्फाइड गैलेना, बच्चों ये लेड का एक इंपॉर्टेंट ओर है, चलो इसको O2 से हीट कर दो, ठीक है, हीट करोगे तो क्या होगा, ये लेड ऑक्साइड में चेंज होगा प्लस SO2, ठीक है बच्चों, इसको बैलेंस कर लो, बैलेंस हो गया, देखो ये ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो हम ओर को ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिए, ठीक है। अब हमको क्या करना है, जब हमारा ओर ऑक्साइड फॉर्म में आ गया, अब यहां से हमको इस ऑक्सीजन को क्या कर देना है, रिमूव कर देना है, यानी ऑक्सीजन को रिमूव करने के प्रोसेस को क्या कहते हैं बच्चों, रिडक्शन। नाउ रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड ओर, सेकेंड इज व्हाट, पहले हम क्या किए कि जो कार्बोनेट और सल्फाइड ओर है उसको ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, एंड देन रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड ओर। अब हम लोग इस ऑक्साइड ओर को क्या कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे, यहां से इस ऑक्सीजन को भगाएंगे, यहां से इस ऑक्सीजन को हटाएंगे। इसके लिए हम किसी न किसी रिड्यूसिंग एजेंट का यूज करेंगे, वह रिड्यूसिंग एजेंट क्या करेगा, यहां से ऑक्सीजन को क्या कर देगा, रिमूव कर देगा, ठीक है। इन दिस स्टेप ए सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट, बच्चों यहां लिख रहे हैं रिड्यूसिंग एजेंट सच एज कार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड, एल्यूमिनियम ETC is used to reduce metal oxide into metal, ठीक है। तो बच्चों हम लोग ये सारे रिड्यूसिंग एजेंट का यूज करेंगे, ठीक है। अभी मैं आपको एग्जांपल से सबको बताऊंगा, पहले कार्बन का यूज करूंगा, फिर कार्बन मोनोऑक्साइड का, देन एल्यूमिनियम, ठीक है। क्या बच्चों, तो चलो हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। पहले हम लोग किसका यूज करते हैं, कार्बन का, ठीक है, रिडक्शन बाय यूजिंग कार्बन। कार्बन को बच्चों हम लोग कोक भी कहीं कहीं आपको मिलेगा, रिडक्शन बाय यूजिंग कार्बन, ठीक है। चलो तो हम लोग कुछ ऑक्साइड ओर ले लेते हैं, जैसे PbO, ठीक है। अगर मैं इसको कार्बन से हीट करूंगा तो क्या हमको मिल जाएगा, Pb मिलेगा, प्लस में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकल जाएगा यहां से, ठीक है। अगर मैं आयरन का ओर लेता हूं Fe2O3, कार्बन से हीट कर दो इसको, क्या करेगा, कार्बन इस ऑक्सीजन को लेके भाग जाएगा यहां से और हमको मेटल प्राप्त हो जाएगा, हमको मिलेगा Fe+CO2 गैस, ठीक है। चलो इसको बैलेंस कर लेते हैं, या CO ले लो यहां से, Fe+CO यहां पर आपको मिल गया, ठीक है। इसी तरह बच्चों ये जिंक ऑक्साइड है, इसका रिएक्शन कार्बन से करा दो, आपको क्या मिल जाएगा, जिंक प्लस CO गैस, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों हम लोग मेटल ऑक्साइड को कार्बन के द्वारा आसानी से क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। समझ में आ गया, देखो हमको मेटल मिल गया,
ठीक है बच्चों, हमने क्या किया था, जब हमने जमीन के नीचे से ओर निकाला था, ठीक है, उस ओर में बहुत सारे गंदगी थे, तो हमने सबसे पहले क्या किया था, जो जमीन के नीचे से ओर निकलता है वो बड़े रॉक्स के फॉर्म में, यानी बिग रॉक्स, बड़े बड़े पीस के फॉर्म में जमीन के नीचे से निकलते हैं, तो सबसे पहले हमने उसका क्रशिंग और ग्राइंडिंग किया था। सेकेंड, उसका हमने क्या किया था, कंसंट्रेशन या इनरिचमेंट ऑफ ओर, उस ओर में जो गंदगी था उस गंदगी को हटाया था। एंड द थर्ड स्टेप इज एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम इनरिच्ड ओर, और उस इनरिच्ड ओर से देखो हमने मेटल को प्राप्त कर लिया, ठीक है, लेड ऑक्साइड से लेड मिल गया, Fe2O3 से Fe मिल गया, JNO से हमको क्या मिल गया, जिंक मिल गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग जो रिड्यूसिंग एजेंट का यूज किए हैं वो कौन सा यूज किए हैं, कार्बन का यूज किया, ठीक है। इसी तरह हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड का यूज भी कर सकते हैं, ठीक है, चलो उसका भी एक एग्जांपल देखते हैं। अब जैसे मान लो बच्चों यही मेरा बोर्ड है Fe2O3, अगर मैं यहाँ पर जो रिड्यूसिंग एजेंट ले रहा हूँ कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, इसको हीट कर देंगे तो क्या होगा, ये यहाँ से हमको Fe मिल जाएगा और यहाँ से CO2 गैस मिल जाएगा। चलो इसको बैलेंस कर लेते हैं, कैसे बैलेंस होगा ये, CO2 यहाँ 2 लगा लो, यहाँ भी 2 लगाओ, ठीक है, और यहाँ पे भी 2 लगा लो, ठीक है। Now I think equation is balance. No, equation balance नहीं है। कैसे balance होगा ये? यहाँ लगाओ 3, यहाँ भी 3, 3 कार्बन, 6 ऑक्सीजन हो गया, Now 2, अब यहाँ 2 आ गया, ठीक है। तो देखो बच्चों, हमने ऑक्साइड और को कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, इसको रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग कार्बन का यूज करके भी रिड्यूस कर सकते हैं ऑक्साइड ओर को, और कार्बन मोनोऑक्साइड के यूज करके भी कर सकते हैं, ठीक है। ये जो हेडिंग होगा क्या होगा हमारा, रिडक्शन बाय यूजिंग CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है बच्चों। ये जो हेडिंग था हमारा रिडक्शन बाय यूजिंग कार्बन, और ये जो हेडिंग है रिडक्शन बाय यूजिंग कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। अच्छा बच्चों, हम लोग इसमें एल्यूमिनियम के द्वारा भी रिडक्शन कर सकते हैं, रिडक्शन बाय यूजिंग व्हाट, बाय यूजिंग एल्यूमिनियम। बच्चों इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं थर्मिट प्रोसेस, ठीक है बच्चों। जब हम लोग एल्यूमिनियम का यूज करके किसी ऑक्साइड ओर को अगर रिड्यूस करते हैं तो इस प्रोसेस को कौन प्रोसेस कहते हैं हम लोग बच्चों, थर्मिट प्रोसेस कहते हैं, एल्यूमिनोथर्मिक या थर्मिट प्रोसेस कहा जाता है, ठीक है। सर्टेन मेटल ऑक्साइड जैसे मैग्नीज ऑक्साइड है MnO2, इसका रिएक्शन जब आप एल्यूमिनियम से करोगे तो एल्यूमिनियम क्या होता है, मैग्नीज से ज्यादा रिएक्टिव है, रिएक्टिविटी सीरीज में एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन मैग्नीज। तो बच्चों यहां पर जो है सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के द्वारा क्या बन जाएगा आपको, यहां से मैग्नीज मिल जाएगा और फिर एल्यूमिनियम ऑक्साइड यहां से निकल जाएगा, देखो आपको मेटल प्राप्त हो गया। नहीं, वैसे ही जैसे क्रोमियम ऑक्साइड है Cr2O3, इसका रिएक्शन एल्यूमिनियम से करा दो तो आपको यहां से क्रोमियम मिल जाएगा और यहां से Al2O3 निकल जाएगा, देखो आपको मेटल प्राप्त हो गया, ठीक है बच्चों। इस प्रोसेस को हम लोग कौन प्रोसेस कहते हैं, थर्मिक प्रोसेस कहते हैं, और इस प्रोसेस में बच्चों काफी हीट निकलता है, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज रिलीज बच्चों। ये रिएक्शन जो होते हैं ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं, ठीक है, ठीक है बच्चों। जैसे रेलवे ट्रैक को जो वेल्डिंग किया जाता है, रेलवे ट्रैक जो आप देखे होंगे वहां पर कभी कभी उसका वेल्डिंग किया जाता है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं इस रिएक्शन का, वहां पर जो आयरन ऑक्साइड होता है ना उसको एल्यूमिनियम का यूज किया जाता है, मिक्सचर ऑफ आयरन ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम पाउडर इज नोन एज थर्मिक, ठीक है। और उसी के द्वारा हम लोग उस वो जो रेलवे ट्रैक होता है, रेलवे ट्रैक में जो क्रैकिंग होता है उसको क्या किया जाता है, वेल्डिंग किया जाता है, या जितने भी हेवी मशीन है अगर उसमें क्रैकिंग होता है तो हम लोग थर्मिक रिएक्शन का यूज करते हैं। उसमें रिएक्शन क्या होता है बच्चों, वो जो आयरन ऑक्साइड है Fe2O3, ठीक है, इसका एल्यूमिनियम से रिएक्शन होता है और यहाँ पे क्या बनता है, Fe बनता है प्लस Al2O3, ठीक है, एल्यूमिनियम पाउडर। बच्चों इस मिक्सचर को हम लोग कहते हैं थर्मिक मिक्सचर ऑफ आयरन ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम पाउडर इज नोन एज थर्मिक, ठीक है, इसीलिए इस प्रोसेस को कहा गया है थर्मिक प्रोसेस, ठीक है। और इस प्रोसेस के द्वारा, ठीक है, रेलवे ट्रैक में जो क्रैकिंग होता है उसको हम लोग वेल्डिंग, उसका वेल्डिंग करते हैं, या हेवी मशीन्स में जो अगर क्रैकिंग होता है उसका वेल्डिंग करने में हम लोग थर्मिक रिएक्शन का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बच्चों वैसे मेटल
जो रिएक्टिविटी सीरीज में बीच में है, जिसका रिएक्टिविटी मीडियम होता है, मीडियम रिएक्टिव मेटल को हम लोग कैसे उसके ओर से प्राप्त करते हैं, ये आपको मैंने अभी डिस्कस किया, ठीक है। नाउ हाईली रिएक्टिव मेटल्स जो होते हैं उनका एक्सट्रैक्शन कैसे किया जाता है ये हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। चलो बच्चों, अब हम लोग थर्ड एंड द लास्ट वन इज मेटल ऑफ हायर रिएक्टिव मेटल करें बच्चों एक्सट्रैक्शन ऑफ हायर रिएक्टिव मेटल। बच्चों हायर रिएक्टिव मेटल्स में कौन कौन से आते हैं, जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया। बच्चों इन सब मेटल का एक्सट्रैक्शन कैसे करते हैं, ठीक है। क्योंकि बच्चों ये मेटल्स हाईली रिएक्टिव होते हैं, ठीक है, और तो क्या करते हैं, इनका जो है ऑक्सीजन के साथ स्ट्रांग एफिनिटी होता है, दे अट्रैक्ट ऑक्सीजन वेरी फास्टली, और ऑक्सीजन से अट्रैक्ट इतना ज्यादा होता है कि इनको हम लोग जो रिएक्शन एजेंट का यूज करते हैं कार्बन कार्बन मोनोऑक्साइड या एल्युमिनियम, इनके द्वारा हम इनका रिडक्शन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सिंस दीज मेटल्स आर हाईली रिएक्टिव, एंड इट हैज स्ट्रॉन्ग एफिनिटी विथ ऑक्सीजन, सो इट्स ऑक्साइड इज नॉट रिड्यूस्ड बाय यूजिंग रिड्यूसिंग एजेंट लाइक कार्बन कार्बन मोनोऑक्साइड एल्युमिनियम की। बच्चे ये मेटल्स काफी रिएक्टिव होते हैं, तो इनका रिडक्शन जो है आप इन रिड्यूसिंग एजेंट का यूज करके नहीं कर सकते, ठीक है। तो इनको इन मेटल से इन ओर से हम लोग मेटल को कैसे प्राप्त करते हैं, तो इसको प्राप्त करने का एक अलग मेथड है जिसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन प्रोसेस करते हैं। दीज मेटल्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम इट्स molten oxide or chloride ore by electrolytic reduction process। बच्चों यहां पर जो हम लोग प्रोसेस यूज करेंगे इसका नाम है इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन प्रोसेस। इस प्रोसेस से हम लोग इन मेटल को प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो हम लोग जल्दी से इस प्रोसेस को समझ लेते हैं कि ये इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन प्रोसेस एक्चुअली क्या है, ठीक है। चलो बच्चों इसको एग्जांपल से आपको बता देते हैं, होता क्या है इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन प्रोसेस में कि इसमें दो मेटल रॉड होते हैं, ठीक है, ये मेटल रॉड है, ठीक है, इनको हम लोग बैटरी से जोड़ देते हैं, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल, जो पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा रहता है इसको हम लोग क्या करते हैं एनोड, और जो नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा रहता है इसको क्या करते हैं कैथोड। हम क्या करते हैं इसमें जो हाईली रिएक्टिव मेटल है, मान लो उसका क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड हम ले लेते हैं, इसमें हमारा क्या है सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन है, ठीक है, इस कंटेनर में सोडियम क्लोराइड में क्या होता है बच्चों Na प्लस और Cl माइनस, चूंकि यह रड ये जो इसको बच्चों इलेक्ट्रोड करते हैं जो पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, तो इस पॉजिटिव टर्मिनल पे कौन आएगा नेगेटिव आयन आएगा, और इस नेगेटिव टर्मिनल पे कौन आएगा पॉजिटिव आयन आएगा, ठीक है। तो क्या होता है एट एनोड, एनोड पे क्या होगा, एनोड पे बच्चों ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है, और कैथोड पे क्या होता है रिडक्शन होता है। चलो पहले कैथोड पे डिस्कस कर लेते हैं।
कैथोड पे क्या होगा, ये हमारा कैथोड है, निगेटिव टर्मिनल, इस पे कौन आएगा, पॉजिटिव आएगा। Na प्लस क्या होगा बच्चों, कैथोड पे ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बना लेगा, Na बना लेगा। देखो बच्चों आपको मेटल प्राप्त हो गया, जैसे ही बच्चों आप इस सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन बनाओगे, इसमें क्या होगा, ये Na प्लस और Cl माइनस में डिसोसिएट हो जाएगा, और यह Na प्लस कहाँ आ जाएगा, कैथोड पे आ जाएगा, क्योंकि ये निगेटिव टर्मिनल से अटैच है, निगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ पर सोडियम आपका जमा हो जाएगा, इस इलेक्ट्रोड पे सोडियम जमा हो जाएगा, ठीक है, तो आपको सोडियम मिल गया। और फिर एट कैथोड क्या होगा, कैथोड एट एनोड फिर क्या होगा बच्चों, एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन, ये जो Cl- है ये यहाँ आएगा, क्या करेगा, यह जो इलेक्ट्रॉन, ये क्या करेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ठीक है, ये क्लोरीन बनाएगा प्लस वन इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये क्लोरीन जो है एटॉमिक फॉर्म में तो एग्जिस्ट करेगा नहीं, ये दूसरे क्लोरीन से कंबाइन करके क्लोरीन गैस बना लेगा, ठीक है। तो बच्चों यहाँ से आपको क्लोरीन गैस इवॉल्व होगा, ये क्लोरीन गैस निकलेगा कहाँ से, एनोड से, और कैथोड पे आपको सोडियम मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हाईली रिएक्टिव मेटल्स जो होते हैं, इनका जो हम लोग क्या करते हैं, रिडक्शन करते हैं, उस रिडक्शन को हम लोग क्या करते हैं बच्चों, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन प्रोसेस करते हैं, ठीक है, इस प्रोसेस से हम लोग मेटल को प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया सोडियम का, आप यहाँ पर एल्युमिनियम के ऑक्साइड भी ले सकते हैं, ठीक है। अगर मैं एल्युमिनियम का ऑक्साइड लूंगा तो क्या होगा प्रोसेस, चलो इसको यहाँ पे बता देते हैं बच्चों आपको, यहाँ पर क्या होगा, एल्युमिनियम का ऑक्साइड लेंगे तो हमारा कैथोड पे क्या बनेगा बच्चों, कैथोड पे क्या होगा, ये एल प्लस थ्री इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बना लेगा, एल्युमिनियम, और एच एनोड क्या होगा बच्चों, ये कैथोड है, एनोड पे क्या होगा बच्चों, ओ माइनस टू क्या करेगा, ये दो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और यह ऑक्सीजन आपस में कंबाइन करके कौन सा गैस बनाएगा, ऑक्सीजन गैस। तो बच्चों इस एनोड से आपको ओ2 गैस निकलेगा, और ये एल्युमिनियम जो है इस कैथोड पे जमा हो जाएगा, ठीक है। तो जितने भी हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं उनका जो एक्सट्रैक्शन, उससे जो मेटल को हम लोग निकालते हैं, उनके ओर से जो मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन प्रोसेस, ठीक है बच्चों। तो आपको ये सब समझ में आ गया होगा, ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।